नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक में। मैं हूं सुमेधा। पिछले हफ्ते से ही, जब से सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ आए हैं, तब से ही हम न्यूज क्लिक पर इस कहानी को फॉलो कर रहे हैं। कई बड़े सवाल सीजेआई के इंस्टीट्यूशन पर और किस प्रकार से इसकी प्रतिक्रिया रही है इस केस की, और अब जो एक बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट हो गया है कंस्पिरेसी क्लेम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पर इसका क्या प्रभाव केस पे पड़ा है और कंप्लेनेंट का जो वर्जन है उसको किस तरह से मीडिया में भी दर्शाया गया है और किस तरह से इसकी आगे क्या डेवलपमेंट्स रहने वाली हैं, इसका लीगल प्रोसीजर दरअसल की क्या होना चाहिए था, इन सब बड़े सवालों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं दिनेश द्विवेदी जी के साथ। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं केस के बारे में। ये वरिष्ठ लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस थे, जो कि एक मॉलिस्टेशन चार्जेस जिस तरह से जूनियर कोर्ट स्टाफ जो सुप्रीम कोर्ट में थी उन्होंने लगाए, उसके बाद इसे मीडिया में आगे इस कंप्लेंट को लाया गया और उसके बाद जैसा कि हमने देखा एक स्पेशल बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिस पर रंजन गोगोई खुद बेंच पर बैठे थे। तो बहुत से सवाल इस तरह से उठ रहे थे सीजेआई के इंस्टीट्यूशन के बारे में, जुडिशरी के रोल के बारे में। तो क्योंकि आप वहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट के हैं और आपने इस प्रकार के बहुत सारे केसेस देखे हैं, आइडियली क्या प्रोसीजर होना चाहिए था और आपका क्या व्यू है ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये चार्ज बहुत ही शॉकिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है और हम लोग को उम्मीद नहीं थी। दूसरा ये कि अगर आप चार्ज देखें तो चार्ज अगर लीगल उससे देखेंगे आप तो निगाह से, तो आईपीसी के तहत ये सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस है और आइडियली इसको पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब स्थिति ये है कि चूंकि हाई ऑफिस होता है और उसका होल्डर ऑफ हाई ऑफिस के ऑ में जो है ये इन्वेस्टिगेशंस नहीं होते हैं शुरू, पर अगर फ़र्ज कीजिए कोई आम आदमी होता है या कोई पॉलिटिशियन भी होता है या सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होता है या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो अगर वो कोर्ट में आया होता इसी दलील के साथ तो कोर्ट ने ये कहा होता भाई कानून है, कानून फेस करना पड़ेगा आपको, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तब सवाल ये ज़रूर उठेगा कि इसमें ऐसा क्या फ़र्क है कि कानून कानून नहीं रह गया और इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। ये तो एक मोटी बात है जिसको कि आम लोग समझते हैं, पर जो सबसे डिस्टर्बिंग बात इसमें ये है, दो चीज़ें हैं कि जब ये मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिहेव किया और जिस तरह से प्रोसीड किया, बेंच कॉन्स्टिट्यूशन एक फिर दूसरा, उससे ये जाहिर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ये इंडिकेशन दे रहा है शायद कि हम लोग कानून के शायद ऊपर हैं। अगर हम एक बाहरी के रूप में देखते हैं डिटैच करके अपने को इस सारे एपिसोड से और इंस्टीट्यूशन से और अक्यूज से, तो जाहिर यही होता है कि कुछ लोगों के लिए कानून शायद फ़र्क हो। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। दूसरी बात है ये कहना कि साहब चूंकि चार्ज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस होल्डर पे लगा है इसलिए इंडिपेंडेंस जुडिशरी की इफेक्ट हो रही है, ये मेरे राय में सही नहीं है। आप ऑफिस की और सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटेग्रिटी की पर्सनैलिटी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इंटीग्रिटी की पोस्ट है। अब बेसिक प्रिंसिपल इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन का ये होता है कि एक मोरालिटी होती है, एक एथिक्स होती है जो कि वो फेयर एंड रीजनेबलनेस पे बेस्ड होती है और कानून से डिटैच नहीं हो सकती। सो द बेसिक मोरालिटी इज द लॉ। Exactly. और अगर लॉ ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उससे अपने को डिटैग नहीं कर सकता। अब दूसरा है, उसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आप ये एक इंडिविजुअल ऑफिस होल्डर को
को उसके ऑफिस की पर्सनालिटी से टैग करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि जनरल परसेप्शन ये होता है कि अगर ऑफिसर पे चार्ज लगा तो लोग ये कहेंगे कि भाई ऑफिस बेकार है, तो आप डायरेक्टली जो है उस ऑफिस को हिट करते हो फिर। तो हमारे राय में पर्सनालिटी को टैग करने में इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इफेक्ट होती है अदरवाइज से। तो अभी जो ये प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थी, व्हाट शुड हैव बीन द आइडियल प्रोसेस, बिकॉज़ रंजन गोगोई डिड नॉट डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द बेंच एट ऑल। इसी जिस तरह से प्रोसीड किया सुप्रीम कोर्ट डे वन से, एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई। अब पहला सवाल ये उठता है कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट क्यों हुई? Exactly. कोई मकसद ही नहीं समझ में आया, आज तक नहीं समझ में आया, ना ही वो उस बेंच ने कोई जवाब दिया इस बात का। बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई और चीफ जो है बेंच में उसके पार्ट बन के आए और अपना डिफेंस डिस्क्लोज किया। अब ये तो बिल्कुल ही मतलब सरासर कानून के खिलाफ है। अक्यूज ने अभी मतलब जो जो अक्यूज़र है उसने तो कुछ, उसको कोई मौका नहीं मिला। आप अपना डिफेंस पहले के ले रहे हो और डिफेंस भी क्या है? डिफेंस ये है साहब कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा है। डिफेंस ये है कि ये एक वाइड कंस्पिरेसी है टू डीएक्टिवेट द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस। एग्जैक्टली। अब आप कह के आ रहे हैं, आप कह तो यही रहे हैं ना फिर कि वो लेडी जिसने कि इस कर ये इतना करेज किया अक्यूज करना इतने बड़े ऑफिसर को, हाई ऑफिस के होल्डर को, कितना उसने हिम्मत जुटाया होगा? और उसने अगर अक्यूज किया है तो एटलीस्ट उसको सुनिए तो सही, उसको एक मौका तो दीजिए। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करे और उसको मौका मिलेगा, और अगर उसने गलत किया है तो उसको सजा भी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि चार्ज सही है या गलत है, चार्ज मे बी राइट मे नॉट बी राइट, बट ये आपको एक मौका तो देना चाहिए, पर आप उसकी इंटीग्रिटी हिट कर रहे हो। बिल्कुल, उन्होंने द वुमन हु हैज कम आउट वेरी ब्रेवली, ऑफ कोर्स शी हैज आल्सो ओपनली एक एफिडेविट में उन्होंने ये सारे ग्राफिक डिटेल्स भी शेयर किए हैं, और उन्हें एक तरह से उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे डिसक्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसका ये कहना जहां तक है वो सही है, और ये सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो और फिर जो पर्सन अक्यूज्ड है वो खुद उसमें प्रिसाइड करे, अपना डिफेंस डिस्क्लोज करे, और फिर बेंच उसमें ऑर्डर कर रही है कि कोई भी आदमी इसको किसी तरह से रिपोर्ट ना करे, थोड़ा सा डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करे, पर दिस ये जो इनका ये रिएक्शन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो उस लेडी ने कहा है उसको सुनना तो अब बिल्कुल ही ज़रूरी है। बिल्कुल, और उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और जितना भी आप इस तरह से करेंगे ये आपको हिस्ट्री में इसका क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। जहाँ तक कि क्रिटिसिज्म और कॉन्डमनेशन की बात है, जो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर्स हैं उन्होंने भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया था, ये कहते हुए कि आखिर उस बेंच पर या इंटरनल्स कंप्लेंट कमेटी का जो एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया, और इंदु मल्होत्रा पर के पास ये कंप्लेंट क्यों नहीं गई, या फिर जो बेंच भी बनाया था उस पर एक भी महिला क्यों नहीं थी। तो इस तरह के काफ़ी सवाल उठ करके आ रहे हैं इस प्रोसीजर के बारे में, जबकि एक फुल कोर्ट है तो वो क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया गया फुल कोर्ट पर थोड़ा बाद में, बिल्कुल इमीडिएटली फुल कोर्ट नहीं बैठा, पर सर्कुलेशन से हुआ, पर देन फुल कोर्ट रहा। पर इन सब के पीछे सबसे अहम बात जो हमको ट्रबल करती है वो मैं बता दूं पहले आपको, जब सुप्रीम कोर्ट में बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो कि साहब दे विल लुक इनटू दिस मैटर, तो वो क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे नहीं, इन्वेस्टिगेशन उनका रोल नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर किस मकसद से आप कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? जो मैंने बात कही, अब मकसद कैसे जाहिर हो? अगर आप ऑर्डर देखें जो उस दिन पास हुआ है पहले दिन, और उसके बाद जो रजिस्ट्री ने अपना डिनंसिएशन किया उस लेडी उसके कैरेक्टर का,
फिर चीफ ने जो दिया कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उससे जाहिर ये हुआ कि क्या इसका ये सवाल हमारे एटलीस्ट हमारे जहन में उठा, क्या इसका मकसद था इन्वेस्टिगेशन को स्टॉल करना? बिल्कुल। और अगर ये मकसद है तो ये तो बहुत ही खराब है, बहुत ही गलत है। लिहाजा मैं फिर उसी बात पे जाता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक होल्डर ऑफ हाई ऑफिस है और उस इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट करने के लिए आप उसको इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन से अटैच कर रहे हो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस से अटैच कर रहे हैं, ऑल दीज हाई फ्लोन क्वेश्चंस एंड इश्यूज। तो आप जब कोर्ट ही इन्वेस्टिगेट करेगी तो कौन सा इन्वेस्टिगेटर इन पुलिस और अदरवाइज वो इन्वेस्टिगेशन टेकअप करेगा? नहीं करेगा। तो कभी कभी ये ख्याल आता है शायद क्या मकसद यही था। इसका भी जवाब कोर्ट को देना पड़ेगा। जहाँ तक ये डिविजनरी टैक्टिक्स की बात हो रही है कि जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन है उससे अटेंशन हटाने की किस तरह से कोशिशें हो रही हैं, एक कंस्पिरेसी एंगल भी जो अभी आजकल का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक कंस्पिरेसी एंगल पे बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, ना कि केस पर। और जो महिला जो आगे आकर आई है उसने ये सारा बयान दिया है, उसकी जो ब्रेवरी है, उसका अकाउंट है और उसका जायज़ रूप से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो उस पर ना फोकस करके आप इस कंस्पिरेसी एंगल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया का सवाल है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो उस पहले दिन के ऑर्डर के लास्ट तीन लाइन अगर आप पढ़िए तो उसके खौफ में कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल शांत रहेगा वहाँ पर और कोर्ट की ही लाइन टो करेगा। तो ये एक तरह का गैग ऑर्डर भी था कि मीडिया को थोड़ी समझदारी बरतनी चाहिए। हाँ। तो मीडिया सावधानी बरत रहा है, बेचारा क्या करे। पर बात जो अहम सवाल है कि ये कंस्पिरेसी थियरी नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिशियन के खिलाफ या किसी हाई ऑफिशियल के खिलाफ ये चार्ज आता है तो पहला डिफेंस जो है कंस्पिरेसी का ही होता है। बिल्कुल। वाइडर कंस्पिरेसी है इंस्टीट्यूशन को डिमोरलाइज करने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी को हिट करने के लिए। पर देन फैक्ट रिमेन्स कि आप ये जब एलिगेशंस देते हो, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन रुकता है और इस तरह के एलिगेशंस होते हैं तो आप डाइवर्ट कर रहे हो अटेंशन कैसे? जब आप बिगर कंस्पिरेसी के एंगल को फ्लोट करते हो बाजार में तो जो छोटा है चार्ज वो उसमें सब्स्यूम हो जाता है। तो पीपल स्टार्ट लुकिंग एट द कंस्पिरेसी रादर देन द चार्ज, दैट इज द डाइवर्जन। तो अब एक तरह से वो कंस्पिरेसी को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं पर चार्ज को भी नहीं करना चाह रहे। पर ये तो अजीब बात है, दिस इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अगर मान लीजिए चार्ज सही है और उन्होंने चार्ज प्रूव कर दिया लेडी ने, तो फिर कंस्पिरेसी का क्या रेलेवेंस है? एग्जैक्टली, बेकार है। तो पहले चार्ज तो इन्वेस्टिगेट करिए, इंक्वायर कीजिए, इन्वेस्टिगेट करिए, जैसा भी आप चाहें पर उसको करिए, बिकॉज ये इंस्टीट्यूशन इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन है जहाँ की द बेसिक प्रिंसिपल इज फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप द फर्स्ट चीज आप जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस पे सवाल उठेंगे। सो देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए और शुरू से ही करना चाहिए था मेरी राय में, पहले दिन ही जो है इंस्टेड ऑफ ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ बेंच और ये बेंच और वो बेंच और ये कमेटी और वो कमेटी, सीधे फुल कोर्ट को बुलाते, फुल कोर्ट से जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करवा लेते, इवन इफ यू डिड नॉट वांट टू गो टू दैट इन हाउस इन्वेस्टिगेशन, और उस कमेटी से इसको इंक्वायर करवाते, खत्म करते। दैट वुड हैव बीन अ लॉजिकल रीजनेबल स्टैंड। बट फिर भी मैं एक सवाल उठाऊंगा कि इंक्वायरी कमेटी कुछ भी कह ले, हाउ कैन यू स्टॉल इन्वेस्टिगेशन? एग्जैक्टली, ये तो कानूनन स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट है और इतना सीरियस चार्ज है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्यों नहीं हो रहा और उसको तोड़ मरोड़ करके एक ऐसी अब स्टेज पर ले आए हैं कि इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हो रहा। आपने ऑलरेडी डिस्क्रेडिट कर दिया उस अक्यूजर को। बिल्कुल। तो अब मैं तो ये कहूंगा कि उस अक्यूजर का करेज है कि आज भी वो अपने बात पे डटी हुई है और कह रही है साहब कि जैसे उन्होंने रमन्ना साहब के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया, इसका मतलब दैट शोज रिफ्लेक्ट्स कि कुछ हो सकता है, शायद क्रेडिबल है,
फिर आपका रिस्पॉन्स फर्दर डिस्क्लोज करता है कि हो सकता है शायद क्रेडिबल है। बिल्कुल, ये काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है रंजन गोगोई का अपने डिफेंस में, वो उन्होंने एक तरह से हर टैक्टिक यूज़ कर लिया कि उनका डिफेंस जो है वो पब्लिक आई में प्रोमिनेंट हो जाए, तो इस डिफेंस को और इस स्केल ऑफ डिफेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बात का जवाब अगर आप पीछे जो मैंने कहा है उसको देखेंगे तो उसमें है। डिफेंस पहले आ रहा है, अभी चार्ज तो सामने हुआ ही नहीं। बिल्कुल एस्टैब्लिश, जब चार्ज प्राइम फेसी प्रूव हो जाता है तब तो डिफेंस आएगा ना। पर अगर आप डिफेंस पहले से लाले लगते हैं, उस पर कंस्पिरेसी एंगल लगाते हैं, उसकी रेपुटेशन डिस्क्रेडिट करते हैं अक्यूज़र की, तो ये तो बहुत ही इलीगल है, बहुत ही इलीगल है, अनप्रेसिडेंटेड है। एटलीस्ट हमारे पास शब्द नहीं है ये कहने के कि ये नहीं होना चाहिए था। और जिस तरह से अभी काफ़ी बड़े फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आने वाले हैं, आगे आप इस केस को किस तरह से, क्या रूप लेते हुए आप देखते हैं इसे? अब मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं गोगोई साहब के मन में तो बैठा नहीं हूँ, पर ये हाँ ये ज़रूर कहता हूँ कि गोगोई साहब को अभी भी चेत जाना चाहिए। एंड अगर रास्ता बताने वाला होता, राय देने वाला होता, तो मैं उनको ये राय ज़रूर देता कि साहब 2 महीने के लिए कोर्ट बंद होने वाला है, आप एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कर लीजिए, तब तक आप यू ऑप्ट आउट ऑफ फोकस एंड लेट द इंक्वायरी कंक्लूड विद इन 2 मंथ्स। अपने आप क्लियर हो जाएगा सिचुएशन। पर अगर आप इस तरह की चीज़ करिएगा तो आप जो है सस्पिशन को और अराउज करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे और लोग ये मानने लगेंगे कि शायद कुछ है, ये मेरा कहना है। जिस तरह से हमने अभी चर्चा की, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो सामने आई हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन, एक फ्री इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन को क्यों नहीं होने दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो डिफेंस है और जो रंजन गोगोई की पोजीशन है, क्या वो कानून से इतनी ऊपर जा चुकी है कि एक इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हो सकता कुछ सीरियस चार्जेस के खिलाफ? इन्हीं बड़े सवालों के साथ हम अपने दर्शकों को आज छोड़ रहे हैं इस इंटरव्यू के साथ। हमें उम्मीद है कि आप इस केस के कुछ नए पहलुओं को भी समझे होंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।